अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 14। आज के इस लेसन में हम देखेंगे, लेसन नंबर 14 है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फुल डिस्क्रिप्शन ऑन सर्कल कमांड। सर्कल कमांड पे फुल डिस्क्राइब करेंगे, सर्कल कमांड क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कमांड्स हम देखेंगे, और फुल डिस्क्रिप्शन से और फुल डिटेल से हम जो है तो सर्कल पे काम करेंगे कि सर्कल पे क्या क्या काम हो सकते हैं, किस तरह हम सर्कल को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऑटो कैट को ओपन करता हूँ। ऑटो कैट को मैंने ओपन किया, सबसे पहले वही काम जो हम सबसे पहले ऑटो कैट ओपन करके करते हैं, यूनिट सेट करते हैं, यूएन आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके जी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके सेट करंट क्लोज। ठीक है, अब हम सर्कल कमांड पे काम करते हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल पे किस तरह काम किया जाता है, तो ये हमारे पास सर्कल है, इस पर आज हम काम करते हैं। तो सर्कल के लिए मैं देखें, सर्कल पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ से डायरेक्ट सर्कल इंसर्ट करना चाहें तो आप सर्कल इंसर्ट कर सकते हैं। सर्कल पे मैंने क्लिक किया, कहता है जी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, क्लिक किया, सर्कल इंसर्ट हो गया। अब ये नॉर्मल सर्कल है। अब सर्कल में क्या क्या काम हो सकते हैं, सर्कल में डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, तो वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डायमीटर और रेडियस के बारे में, तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सर्कल लिया, सबसे पहले कह रहा है जी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट दिया, कहते हैं स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं रेडियस सर्कल का देता हूँ 10 फुट। फॉर एग्जाम्पल ये 10 फुट का जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ, 10 फुट का रेडियस आ गया, यू सी एंटर करता हूँ, ओरिजिन पॉइंट, ये रेडियस आ गया सर्कल का 10 फुट। अब मैं दोबारा सी एंटर करता हूँ और अब मैंने सर्कल का डायमीटर देना है, पहले सर्कल का रेडियस दिया था मैंने, अब मैंने डायमीटर देना है। तो कहते हैं स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, तो डायमीटर के लिए डी एंटर करता हूँ, डी एंटर किया, 10 फुट ही देता हूँ डायमीटर, देख सकते हैं आप। सर्कल का डायमीटर और सर्कल के रेडियस में ये फ़र्क है कि हमेशा जो सर्कल का रेडियस होता है उसका हाफ सर्कल का डायमीटर होता है। अगर रेडियस मैंने 10 किया है तो मेरे पास डायमीटर जो होगा वो 5 होगा। अगर मैंने रेडियस इसका मैंने 10 दिया है, या मैंने फॉर एग्जांपल 5 दिया है, तो मेरा इसका डायमीटर जो होगा तो वो 2.5 होगा। तो हमेशा रेडियस के हाफ जो होता है डायमीटर होता है। तो ये रेडियस और डायमीटर का फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन लेता हूँ, मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर F8, 10 फुट की मैं लाइन देता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस देखता हूँ, ये 10 फुट की लाइन ही है, डी आई एंटर करता हूँ, डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट 10 फुट की मैं लाइन दी। ठीक है, अब मैं इसका मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सी एंटर करता हूँ और मैं इसे फॉर एग्जाम्पल जी रेडियस देता हूँ इसका, ये डायमीटर मैं 10 फुट देता हूँ, 10 फुट एंटर करता हूँ, तो देखें इसके डबल हो गया है, हमारे पास जो रेडियस है वो इसके डबल हो गया। अब अगर मैं इसी तरह मैं इसको देता हूँ डायमीटर फॉर एग्जांपल, तो आप देखिएगा मैं सी एंटर करता हूँ सेंटर पॉइंट से, मैं अब डी एंटर करता हूँ डायमीटर और 10 फुट ही में देता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल के इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एल एंटर करता हूँ 10 फुट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट जो डायमीटर है या रेडियस है वो इसके ऊपर आ जाए, एक्यूरेट रेडियस इसके ऊपर आए, या मैं 20 में बताता हूँ आपको, एल एंटर करता हूँ 20 फिट। अब मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेट जो है तो मेरे पास इसके ऊपर जो है तो इसका रेडियस आ जाए, तो मैं सी एंटर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अब मेरे पास ये 20 फुट की मैंने लाइन लगाई है, तो 20 फुट की अगर लाइन है तो आप 10 फुट का आप क्या करोगे इसमें
रेडियस दोगे तो आपके पास इक्वल आएगा। आप देख सकते हैं 10 फुट मैंने दिया है, तो लाइन का जो हाफ होगा सॉरी डबल जो होगा वो जब मैं दूंगा तो वो रेडियस बन जाएगा, और इक्वल टू अगर लाइन होगा जितनी हमने लाइन इंसर्ट किया उतनी इक्वल हम करेंगे तो हमारे पास डायमीटर होगा। तो डायमीटर और रेडियस में ये फ़र्क है कि डायमीटर जो होता है रेडियस से हाफ होता है। तो ये था हमारे पास डायमीटर और रेडियस का फ़र्क। तो हम सर्कल जब इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, अब मैं इसमें कुछ और पॉइंट है सर इसके, तो सर्कल के कुछ और हम देखते हैं, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर, ये हम कर चुके हैं सारी काम। अब हम करते हैं जी, मैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल सी एंटर करता हूँ, देख लेते हैं इसका सेंटर डायमीटर में और डायमीटर में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल सेंटर रेडियस, अब देख सकते हैं सेंटर रेडियस आ गया किसी भी लाइन का, एल एंटर करता हूँ मैं, सी एंटर, वही चीज़ें डायमीटर और सेंटर रेडियस भी इसमें थोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ट्रायंगल, इसमें पहले भी हम कर चुके हैं इसका, टू पॉइंट थ्री पॉइंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो सर्कल इंसर्ट करता हूँ, एक दो, इनके बीच में मैंने एक, फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल के बीच में मैं एक, इन दोनों के इक्वल में एक सर्कल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए सर्कल लेता हूँ नॉर्मल एक, मैं आपको बताता हूँ तरीका। सर्कल लिया मैंने, मैं चाहता हूँ इसके बीच में आ जाए, तो आप यहाँ से सर्कल लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो देखें वो सर्कल बाहर निकल रहा है, वो बिल्कुल इसके इक्वल नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक सर्कल ड्रॉ, तो ड्रॉ नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रॉ में जाओगे, सर्कल टू पॉइंट पे क्लिक करोगे आप, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, देखें बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे सर्कल इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट है मैं सिर्फ तीन पॉइंट लेते हैं, को तीन पॉइंट लेता हूँ, एक एक दो तीन, ड्रॉ सर्कल थ्री पॉइंट पे क्लिक करें, थ्री पॉइंट में क्या होगा अब आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थ्री पॉइंट। अब थ्री पॉइंट में क्या है कि कुछ वैल्यू कुछ सर्कल से बाहर आ रहा है, आपको देख सकते हैं अंदर आ रहा है, एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा, तो बेसिकली थ्री पॉइंट होता है, थ्री पॉइंट में एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ नहीं हो रहा होता। मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें क्या है जी, अब दूसरे को देखते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इन दोनों में इक्वल आप फर्क देख सकिएगा, ड्रॉ सर्कल, अब हम करते हैं टेन टेन टेन, इसका क्या फंक्शन होता है, क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, क्लिक ऑन थर्ड पॉइंट पर क्लिक करें, एक्यूरेट आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास सर्कल ड्रॉ हुए बाहर, आप देख सकते हैं एक्यूरेट, जबकि इसमें क्या हुआ था हमारे पास सर्कल कुछ बाहर आ गया था, आप देख सकते हैं, तो ये होते टेन टेन टेन। नेक्स्ट है हमारे पास दो पॉइंट में लेता हूँ, सी एंटर, सी एंटर, यहां पे मैं ड्रॉ और सर्कल और टेन टेन रेडियस पे क्लिक करता हूँ, टेन टेन रेडियस का क्या फंक्शन है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा मेरे पास कोई रेडियस नहीं आ रहा, और यहाँ पे मैं एरर दे रहा है, कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सबसे पहले हमने इसका सर्कल का रेडियस मालूम करना है, तो रेडियस मालूम करने के लिए फाइंड करने के लिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, लीनियर या फिर आपने अपनी मर्जी आप अलाइंट क्लिक करें, उसका रेडियस आप यहाँ से मेजर करें पहले, तो रेडियस मेजर करने का क्या तरीका है, ये रेडियस आ गया, अब इसे आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी आई एम स्केल, स्केल देता हूँ 2 फुट देता हूँ या 3 फुट देता हूँ, 3 फुट, अपडेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, ज़्यादा दे रहे हैं,
एक्चुअली रेडियस बहुत ज़्यादा मैंने दिया हुआ है ना यहाँ के स्पीस के बीच में, तो मैं डी आई एम एस सी ए लेम स्केल, सॉरी लेम स्केल मैं इसे देता हूँ जी 8। अपडेट राइट राइट क्लिक, अब कुछ सही बता रहा है ठीक है, 58 है। अब जो 58 का हाफ होता है वो कितना होता है हमारे पास जी, वो होता है जी 25। 50 आ गया और 27, फॉर एग्जांपल मैं अगर करता हूँ मैं 25 से अबाव, 25 से मीन जो हमारे पास 25 26 या 27 से आप करेंगे तो ठीक है, 27 से अबाव आपने करना है ठीक है, अगर उससे कम करते हैं तो हमारे पास ये रेडियस नहीं देगा। किस तरह मैं आपको बताता हूँ, मैं अब दोबारा ड्रॉ में जाता हूँ, मतलब उसका हाफ होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक और तरीका करता हूँ जिसमें आपको ईजीली हमें समझ आ सके, उसके लिए मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक 20 फुट, एल एंटर किया 20 फुट आ गया, सी एंटर करता हूँ ठीक है, दोनों के एम का मूव कर दो, एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक एंड ठीक है। अब ये हमारे पास बन रहा है जी रेडियस इसका, फॉर एग्जांपल कितना बन रहा है जी, मैं इसके लिनियर आपको बताता हूँ, ये 20 फुट 5 इंच बन रहा है। तो इसका रेडियस अब मैंने यहाँ पे मैं इसे एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जो कि 20 फुट पे आए, और रेडियस हमारा जो आएगा वो इसका आएगा जी 20 फुट से कम आएगा, मतलब 10 फुट का हमें रेडियस देना होगा इसे। तो 10 फुट का जो रेडियस मैं दूंगा इसे तो वो 10 फुट होना चाहिए, 10 फुट से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम अगर होता है रेडियस तो सही काम नहीं करेगा। तो 10 फुट 5 इंच दूंगा, 11 फुट दे देता हूँ मैं इसे रेडियस। तो देखते हैं हम ड्रॉ सर्कल, 10 10 रेडियस, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, मैं इसे 10 में से अगर मैं इसे देता हूँ जी 5 5 फुट देता हूँ, नहीं काम करेगा क्योंकि हमारा कितना आया था जी रेडियस, डायमेंशन में आपको दोबारा बताता हूँ कितनी आई थी हमारे पास, 20 आई थी, मैं इस थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। दोबारा मैं करता हूँ ड्रॉ सर्कल, 10 10 रेडियस, अब मैं 20 है, मैं फॉर एग्जाम्पल 12 करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखिएगा हमारे पास एक रेडियस ड्रॉ हो जाएगा 12 फुट, देख सकते हैं आप हमारे पास रेडियस एक ड्रॉ हो गया, आप देख सकते हैं। 12 से कम करूँगा या 10 से कम करूँगा तो ये क्या होगा, हमारे पास रेडियस ड्रॉ नहीं होगा, 12 से जितना मर्जी जितना ज़्यादा आप करते हैं तो रेडियस ड्रॉ होता जाएगा। अब ये हमारे पास रेडियस लग गया, अब इसमें आप ट्री आर ट्रिम करके ये हम आगे करेंगे काम सारा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेडियस जनरेट हो गया। तो ये काम था जी रेडियस का। तो आज हमने सर्कल, रेडियस, मुख्तलिफ टाइप्स के हमने सर्कल वगैरह हमने ड्रॉ किए, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लेसन को बार बार देखिएगा, खुदा हाफिज़।